मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे थोड़ी भाषाओं का ज्ञान है और मुझे मौके मिलते जा रहे हैं। 400 फिल्म होने के बाद भी भगवान मौके दे रहा है। दर्शक मुझे पसंद करते हैं, हर क्षेत्र के पसंद करने लगे हैं। और यस गुर्रम वहाँ चली, किक्टू चली, सुप्रीम, अभी वक्का यम्मा टप्पा हमारी लगी, 4 फिल्म वहाँ हो गई तेलुगु में, सारी ब्लॉकबस्टर। तो वो एक अलग है, किरदार अच्छे मिलने लगे। अब कन्नड़ में भी जा रहा हूँ, तमिल भी, गुजराती भी शुरू कर दी एक हमने फिल्म। मज़ा आ रहा, मराठी कर चुके हैं। तो एक एक कलाकार के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि जहाँ जा रहा हूँ भोजपुरी का नाम हो रहा है, जहाँ जा रहा हूँ भोजपुरी की उपलब्धि हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छे चीज़ है कि मेरे साथ साथ भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी माटी, हम लोगों के एक की रवि किशन भोजपुरी के सुपरस्टार रवि है ना, हम तो ये एक अचीवमेंट अच्छा मिल रहा है, वो मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। ये थोड़ी सी देखो, रात को होटल के रूम में पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान शार्प रखता हूँ, प्रॉम्प्टिंग होती है वहाँ पे, उसको आपको बड़ा फोकस रहना पड़ता है, तो ही आपको लोग लेंगे। क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में आपको पैसे बहुत देते हैं, लेकिन आप अगर काम के प्रति ईमानदार नहीं हो तो लोग आपको बुलाएंगे नहीं। डेफिनेटली आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, यहाँ से डबल मेहनत, क्योंकि भाषा आपके लिए नई है, मेहनत बहुत है, और वो उसी का फल आपको मिलता है। फिर आज आंध्र प्रदेश का बच्चा बच्चा हमको जानने लगा, इससे भगवान, इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि वहाँ पे मेरे किरदारों के नाम से मुझे जानते हैं, मेरे बारे में लोग पढ़ने लगे हैं, मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कलाकार क्या क्या कर रहा है और कितना कुछ, और ये हमारे यहाँ भी आ गया। अब प्रकाश राज जी बहुत बड़े हैं, देखो उन्होंने बहुत फिल्में की हैं, मैं रिप्लेस नहीं, हाँ रवि किशन ने एक अपनी जगह वहाँ बना ली, ये कह सकता हूँ, मैंने किसी को रिप्लेस नहीं की, शायद मेरी जगह वहाँ खाली थी, मेरे जैसे एक्टिंग किया, मेरे जैसे परफॉर्मेंस के लिए या मेरे जैसे इंसान के लिए, और उस जगह पे मैं अपने आ गया वहाँ। आप किसी को रिप्लेस नहीं करते हो, आप अपनी खुद की एक जगह बनाते हो, तो वो एक मैं बड़ा, हाँ उसके लिए, क्योंकि प्रकाश राज ने इतना कुछ कर दिया था, तो मेरे लिए एक था कि अब मैं क्या करूँ वहाँ, तो अलग तरीके से अपने आप को पेश करना पड़ा, और एक मेरा वहाँ एक अपनी कुर्सी बन गई, और वो भगवान की दया से हमेशा के लिए, जब तक मैं जीवित हूँ, मैंने वहाँ पे एक अपना स्थान बना लिया। ई चैनल का मजा ली, एक बड़ा मजा वाला है, कृपया है ना। जय हो आप लोगन के, हर हर महादेव।